नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस टेक्निकल वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पेन ड्राइव राइट प्रोटेक्टेड है तो वैसे केस में आपको क्या स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि पेन ड्राइव जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं तो एचपी के केस में मोस्टली जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो एचपी के पेन ड्राइव में मोस्टली एप्लीकेबल होगा, और जो भी अगर अदर पेन ड्राइव भी अगर आपका सपोर्ट कर जाता है तो वेल एंड गुड है इस टिप्स के थ्रू। अदरवाइज हमारे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करें कि आपके पास कौन सा पेन ड्राइव है जिसमें राइट प्रोटेक्टेड एरर आ रही है, तो मैं आपको वो सॉल्यूशन बता सकता हूं, बताऊंगा। लेकिन ये जो मैं रिसर्च किया हूं ये एचपी के पेन ड्राइव पे किया हूं, और एचपी पिनी या सैंडिस्क वाले पेन ड्राइव का इस्तेमाल जो है आप इस सॉफ्टवेयर के यूटिलिटी के थ्रू कर सकते हैं, जहां पे आपका राइट प्रोटेक्टेड जो एरर होगी वो हट जाएगी और देन आप पेन ड्राइव का रीयूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आइए दोस्तों, जो राइट प्रोटेक्टेड पेन ड्राइव होती है तो ऐसे केस में आपका पेन ड्राइव कहां तक साथ देती है और क्या क्या हो सकता है उस राइट प्रोटेक्टेड वाले इशू में, चलिए आइए देखते हैं लैब। दोस्तों आज मैं दिखाता हूं कि राइट प्रोटेक्शन एरर को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी पेन ड्राइव को इंसर्ट किए हैं, इंडिया नाम का वॉल्यूम है, अगर मैं इसके पेन ड्राइव के वॉल्यूम को चेंज करूं तो भी ये देखिए कि ये द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड मैसेज आ रही है। ओके, अगर मैं पेन ड्राइव के अंदर जाऊँ और किसी फाइल पर राइट क्लिक करूँ, ओके, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रीनेम ऑप्शन नहीं आ रही है, ना ही डिलीट की ऑप्शन आ रही है। आप होम में भी जाके चेक कर सकते हैं कि ना ही रीनेम और ना ही डिलीट की जो ऑप्शंस है वो हाईलाइट हो रही है। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो राइट प्रोटेक्टेड एरर आप देख लिए यहाँ पे रीनेम। अगर मैं फॉर्मेट करके देखूँ तो फॉर्मेट भी जो है यहाँ पे नहीं हो पा रही है। ओके, यहाँ पे अगर आप कैपेसिटी ले फाइल सिस्टम को सिलेक्ट करें, ये अगर आप फॉर्मेट करना भी चाहे तो ये फॉर्मेट नहीं होगी। देखिए यहाँ पे स्टार्ट, ओके, देखिए द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। ओके, एन टी एफ एस अगर मैं करूँ, देखें यहाँ पे, ओके, एन टी एफ एस स्टार्ट, ओके, द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। ओके, अब यहाँ पे चेक कीजिए कि अगर मैं वॉल्यूम लेवल भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये वॉल्यूम लेवल भी जो है चेंज नहीं हो रही है। ओके, सो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ना ही मैं रीनेम कर पा रहा हूँ, ना ही मैं फॉर्मेट कर पा रहा हूँ, और ना ही मैं यहाँ के इसके अंदर के इसके फाइल को कॉपी पेस्ट कर पा रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी वॉलपेपर को कॉपी करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉपी पेस्ट, देखिए यहाँ पे द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। ओके, सो यहाँ पे ट्राई अगेन भी करूँगा तो ये ट्राई अगेन भी नहीं होगी, स्किप हो जाएगी। स्किप यानी इट मीन्स ये कॉपी नहीं हुई है। चेक कर सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो पर्टिकुलर वॉलपेपर नहीं आई। ओके, सो यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि मैं वॉल्यूम लेवल रीनेम नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक कमांड ओपन करेंगे, ओके, जिसका नाम है डिस्क मैनेजमेंट। अगर यूएसई इनेबल रहेगी तो हम यहाँ पे यूएसई को इनेबल करेंगे, यस करेंगे। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज, अगर मैं जाऊँ किसी पेन ड्राइव के प्रॉपर्टीज में, ओके, तो यहाँ पे आप टूल्स ऑप्शन मिलेगी आपको, देखिए यहाँ पे टूल्स ऑप्शन चेक। ओके, तो स्कैन एंड रिपेयर भी अगर आप करना चाहें तो ये फेल होगी, द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे ना ही ये स्कैनिंग भी हो रही है, ना ही रिपेयरिंग हो रही है, और ना ही मैं रिनेम कर पा रहा हूँ। इसके प्रॉपर्टीज को अगर आप देखें, ये पार्टीशन स्टाइल इसका क्या है, जैसे वॉल्यूम में जाएं, यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टीशन स्टाइल MBR और GPT है, सॉरी MBR है, MBR और GPT की जो डिफरेंसेज है वो हमारे वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ओके, आपको रन एज एडमिन करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी चाहिए हमेशा। यहाँ पे डिस्क कबार्ड कमांड टाइप करेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट डिस्क, सॉरी लिस्ट डिस्क, ओके, इंटर। यहाँ पे आपको मेक्श्योर करना है कि आपके पेन ड्राइव की साइज कौन सी है, ओके, एंड उसका जो नंबर है वो देखना है, 32 GB एंड डिस्क 1। ओके, यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए, ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे 1, इंटर। ओके, सो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो कमांड चलेगी हमारी वो है एट्रीब्यूट डिस्क, देखिए, ओके, सो करेंट रीड ओनली स्टेट क्या है हमारा, यस। ओके, सो ये यस नहीं होना चाहिए बल्कि हमारे यहाँ पे नो होनी चाहिए। ओके, सो सिलेक्ट डिस्क 2 अगर मैं दिखाऊं, जो कि 8 GB की पेन ड्राइव है, यहाँ पे आप देखिए इसकी जो एट्रीब्यूट्स है, ये देखिए रीड ओनली स्टेट्स नो। ओके, और जबकि राइट प्रोटेक्टेड मीन्स यस, तो जो पेन ड्राइव राइट प्रोटेक्टेड होती है उसकी जो रीड ओनली स्टेट हो जाती है वो यस हो जाती है। फिर से हम सिलेक्ट डिस्क 1 में आएंगे, ओके, एट्रीब्यूट डिस्क क्लियर रीड ओनली, इंटर। देखिए यहाँ पे रीड ओनली, यहाँ पे जब हम रीड ओनली करेंगे तो हमारा जो एट्रीब्यूट है वो क्लियर हो चुकी है,
यहाँ पे देखिए, लेकिन फिर भी रीड ओनली स्टेट जो है हमारा वो येस दिख रहा है ओके, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर एक अगर ऐसे में अगर आपका जो पेन ड्राइव अगर वो ठीक हो जाती है, नो आ जाती है आपके केस में, तो वेल एंड गुड है ओके। अगर नहीं आती है तो आपको एक बार जो नेक्स्ट मैं कमांड बताने जा रहा हूँ वो आप ट्राई कर सकते हैं ओके। सो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, और मैं आपको अब नेक्स्ट दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे रीनेम नहीं हो पा रही है ओके। अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि अपने पेन ड्राइव को आप डिस्क पार्ट कमांड के थ्रू भी जो है फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हैं। इवन उसके राइट प्रोटेक्शन एरर के एट्रीब्यूट्स को जो आप चेक किए तो राइट प्रोटेक्शन एरर के जो एट्रीब्यूट्स है वो आपको येस दिख रहे हैं, यानी रीड ओनली येस ओके। सो यहाँ पे आपको जो नॉर्मल पेन ड्राइव होती है उसके जो राइट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो नॉर्मली नो होते हैं ओके। सो आप देख रहे हैं कि आप पेन ड्राइव के वॉल्यूम लेवल को आप रीनेम नहीं कर पा रहे हैं, पेन ड्राइव के अंदर आप किसी भी तरह के डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं राइट, किसी भी फाइल को आप ना ही डिलीट कर पा रहे हैं और ना ही रीनेम कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का जो आपके लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाएं और उस वीडियो लिंक से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें एज पर योर पेन ड्राइव के साइज के अकॉर्डिंग ओके। अगर आपके पेन ड्राइव के साइज 8 GB और 16 GB है ओके, सो एप्लीकेबल फॉर पीनी ओके, पीनी और एचपी 8 GB और 16 GB है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें U-Fix 1 ओके। अभी हमारे केस में मोस्ट ऑफ द पेन ड्राइव के जो रिजॉल्व हमने किए हैं केस ओके, उस जिसमें राइट प्रोटेक्शन एरर है ओके, सो इसमें पिनी के या एचपी के कोई भी ये हो सकते हैं कि सोनी के भी पेन ड्राइव हो या अदर कोई कंपनी के भी पेन ड्राइव हो, और आप जाएं और इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें ओके, U-Fix 2 को ओके। सो यहाँ पे आप क्लिक करें, जैसा कि हमने इसको यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, ये आपको जिप फॉर्मेट में देगी। अगर आप चाहे तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर के थ्रू, चाहे वो आपका 7-zip हो या विनरार हो ओके। सो 7-zip के थ्रू अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सपोज दैट एक्सट्रैक्ट टू U-Fix 2, सो ये टूल आपको डाउनलोड करना है पर्टिकुलर उस लिंक से। ये जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट कीजिएगा यहाँ पे आपको U-Fix 2 की एक फोल्डर बन जाएगी ओके। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो वहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप यहाँ से डायरेक्टली U-Fix को आप लॉन्च करा सकते हैं ओके। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि आप डायरेक्टली अगर किसी भी जिप फाइल से कोई सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स की प्रॉब्लम हो जाती है ओके। तो सब जो बेटर है ऑप्शन वो आप किसी भी एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर के उसको एक्सट्रैक्ट करें और देन उस पर्टिकुलर TXE को आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें यस। अगर USE इनेबल है तो आपको यस करना होगा, और जैसे ही आप यस करेंगे यहाँ पे एक विजार्ड ओपन होगी, एक छोटी सी विजार्ड स्मॉल विंडो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनरली होता क्या है कि हम किसी भी जो राइट प्रोटेक्टेड पेन ड्राइव होते हैं वो फॉर्मेट नहीं हो पाते हैं, या आप उसको लॉक से अनलॉक नहीं कर पाते हैं, तो हमें लो लेवल फॉर्मेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो लो लेवल फॉर्मेट टूल है ये U-Fix 2 ओके। सो यहाँ पे मेक श्योर कि आपके वो पेन ड्राइव हो, मेक श्योर कि ये आपके क्या कहते हैं आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ना हो ओके। सो यहाँ पे आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना है, और साथ साथ जो आप यहाँ पे रिकवर करेंगे इसको, सो यहाँ पे आप रिकवरी पे क्लिक करने का मतलब ये होगा कि आप जो पेन ड्राइव की जो फैक्ट्री रीसेट सेटिंग्स हैं उस पर वो उसके जो फाइल एलोकेशन टेबल होते हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर के जो टेबल होते हैं वो उस पर सेट हो जाते हैं ओके। जैसा कि आप लोग मोबाइल में भी यूज करते होंगे फैक्ट्री रीसेट सेटिंग्स, रिकवर करने का भी मतलब यही है कि ये जो मेमोरी है पेन ड्राइव के रूप में ये फैक्ट्री रीसेट सेटिंग यानी डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पे हो जाएंगे ओके। तो आप रिकवर पे क्लिक करें और यहाँ पे जो भी डेटा होगा ये आपका इरेज हो जाएगा, तो आप येस क्लिक करें, मेक श्योर कि आप इससे पहले इस डेटा का बैकअप ले लें ओके। सो दोस्तों यहाँ पे जो है स्टेटस चलेगी अभी, और स्टेटस जो है वो पूरा 100% तक चलने के बाद आपका जो पेन ड्राइव होगा वो सही हो जाएगा ओके। 99.99% चांस है कि आपके जो राइट प्रोटेक्शन एरर है पेन ड्राइव के ऊपर वो सही हो जाएंगे। सो ये U-Fix 2 को डाउनलोड करें, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप U-Fix 2 को डाउनलोड करें पर्टिकुलर इस साइट पे जाके ओके। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये मिल जाएगी ओके, वहाँ पे आप डाउनलोड करें, इस सॉफ्टवेयर का यूज करें और एक बार देखें कि आपकी जो राइट प्रोटेक्टेड पेन ड्राइव है उसको वो लॉक से अनलॉक कर पाती है या नहीं ओके। और आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है, स्टेटस लगभग 2-4-5 मिनट लगेगा पूरे स्टेटस को कंप्लीट होने में ओके, लगभग 5-7 मिनट लगेंगे। तो तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम वीडियो को रिज्यूम करेंगे। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ।
ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो जैसे ही कंप्लीट होगा वो हमारा विजार्ड जो है एक मैसेज आएगी कि आपका वो सक्सेसफुल हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करें और रीनेम पे क्लिक करें। सबसे पहले आप रीनेम करके चेक कर लें ये रीनेम हो रहा है या नहीं। गॉट इट। ओके, अगर हम कॉपी पेस्ट करके दिखाएं, ओके, जैसा कि यहाँ पे दो दो हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया था, तो न्यू पे जाएं, फोल्डर पे जाएं, ओके, यहाँ पे अगर मैं नाम दूँ, ओके, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, डिलीट, यस, ओके, सो सिंपल इज दैट। ओके, सो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको कॉपी पेस्ट नहीं हो रहे थे, कोई भी एक डेटा को आप कॉपी करें, जैसे कोई वॉलपेपर हो आपके पास, ओके, मैं यहाँ चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कोई वॉलपेपर कॉपी कर रहा हूँ मैं, कॉपी एंड पेस्ट, यस, ओके। सो आप इसको ट्राई करें, यू फिक्स टूल को, पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ओके, वहाँ से डाउनलोड करें इस टूल को। अगर आप आपके भी पेन ड्राइव में ये राइट प्रोटेक्शन एरर है, अगर मैं इसको सीएमडी पे जाऊँ और डिस्क पार्ट कमांड का यूज करूँ, ओके, यस, यहाँ पे लिस्ट डिस्क, सो सेलेक्ट डिस्क वन, 32 GB की पेन ड्राइव चाहिए, सेलेक्ट डिस्क वन, ओके, उसके बाद जो हमारी पार्टीशन होगी लिस्ट एट्रीब्यूट रिव्यू डेज, सो नाउ करंटली रीड ओनली स्टेट नो, रीड ओनली नो, ओके। सो यहाँ पे अगर कोई भी पेन ड्राइव अगर आपकी राइट प्रोटेक्टेड एरर दिखाती है, तो उसकी जो करंट रीड ओनली स्टेट होगी वो येस होगी, रीड ओनली येस होगी, ओके। तो इस केस में आप अपने पेन ड्राइव के साथ यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ओके, और कोशिश करें कि अगर आपके सॉफ्टवेयर लॉक से अनलॉक हो जाते हैं तो वो फिर वर्किंग मोड में आ जाएंगे, ओके। तो पर्टिकुलर ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि पर्टिकुलर इसका जो फैट के जो फाइल एलोकेशन टेबल थी वो उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, ओके। फिर आप इसको फैट 32 पे रखें या NTFS फाइल सिस्टम पे रखें, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी ऐसी टेक्निकल वीडियो हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।